हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस लेक्चर में सबसे पहले एस ए क्यू वन का डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है। तो सबसे पहला वाला जो है क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल हेमिटेरियंस हैव टू पेयर ऑफ विंग्स। सो द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, द हेटेरियंस आर कैरेक्टराइज बाई द हेमिल्ट्रा एंड अ ट्राइंगुलर स्क्यूटुलम, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड वन, द स्मूथ मैंडिबुलर एंड सेक्रेटेड मैक्सिलरी स्टेलेट ऑफ द हेमिटेरियंस इंसेक्ट आर इनक्लोज्ड बाय द ग्रुप्ड लेवियम, अगेन इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। एंड फाइनली द लास्ट वन, दैट वी कैन ऑब्टेन डाई फ्रॉम द कोकिनियल स्केल इंसेक्ट, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। मूविंग टुवर्ड योर एसईक्यू टू, नाउ ये सेकेंड क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एसईक्यू टू का। सबसे पहला है कि रिड्यूस्ड हिंडविंग इन डिप्टेरा बताना है, और एंड ऑल्सो उसका फंक्शंस बताना है। सेकेंड इज, हाउ डू मॉस्किटो डिटेक्ट देयर होस्ट फॉर सकिंग ऑफ ब्लड। एंड द थर्ड लास्ट वन, राइट द लोकेशन ऑफ द पेरिस्टोमियल टिथ इन द स्पूगिंग माउथ पार्ट्स। तो चलिए वन बाई वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस्ड हिंडविंग ऑफ डिप्टेरा हेल्टर्स, और ये क्या करता है, हेल्प करते हैं, हेल्प टू मेंटेन बैलेंस। तो क्या होता है, हेल्टर्स, एंड ये क्या करता है, फ्लाइज को हेल्प करता है टू मेंटेन द बैलेंस, हेल्प करता है टू मेंटेन द बैलेंस। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का जो लोकेशन होगा वो होगा अंडर सरफेस ऑफ लैबिला। यहाँ पे क्या बोला है, लोकेशन बताना है, पेरिस्टोमियल टिथ एंड स्पॉन्जिंग माउथ पार्ट। तो अंडर सरफेस ऑफ लेबिला, आंसर विल बी अंडर सरफेस ऑफ लेबिला। एंड ये सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू मॉस्किटो डिटेक्ट देयर होस्ट फॉर सकिंग ऑफ ब्लड। तो इसका आंसर होगा, सेंसरी लेबिलम, का जो है वो हेल्प करता है डिटेक्शन में फॉर द सकिंग ऑफ ब्लड, राइट। सो इस तरह से आपके तीनों एसईक्यू टू के तीनों क्वेश्चंस डिस्कस हो गए। एंड हम मूव करते हैं एसईक्यू थ्री की तरफ। सो आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द टीनेडियल रो प्रेजेंट ऑन द हेड एंड थोरिक्स ऑफ द फ्ली। तो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा जीनल कॉम। क्या हो जाएगा आंसर, हो जाएगा जीनल कॉम एंड प्रोटोनल कॉम, ओके। सो ये दो हो जाएगा आपका आंसर। मैं वैसे तो आपको लिख लिख करके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ, बट यहाँ पीडीएफ से बताने का पीछे का रीज़न है, मतलब आंसर्स भी मैं दिखा करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करके, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए कंप्लीट कर दूँगी। सो इसका पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि इतनी लापरवाही यूनिवर्सिटी का कि मेरा दो किताब, मतलब ये जो दोनों कोड है, एक तो आपका ये वाला 43 वाला और एक 41 वाला, BZY ET41 वाला और BZY ET43 वाला, दोनों बुक के बजाय कोई दूसरा बुक आ गया है, मीन्स इंसेक्ट वेक्टर और आपका इम्यूनोलॉजी के बगैर प्लांट फिजियोलॉजी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो है बुक आ गया है। अब कर ही क्या सकते हैं, मतलब उन्होंने मे बी बाई मिस्टेक किसी और का बुक मुझे दे दिया और मेरा बुक कहीं और दे दिया होगा। सो वो मेरा अब एग्जामिनेशंस पे जिस चीज़ रिक्वायरमेंट है, तो मतलब वो दोनों कोड का मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर सकती थी, बट वही कि एज आई डोंट हैव दी बुक राइट नाउ, तो इसलिए मुझे अब पीडीएफ के थ्रू करना पड़ रहा है। तो जैसे भी हो रहा है, आई थिंक एक्सप्लेनेशंस मैं सही से करने की कोशिश करूँगी, ताकि एक ओवरऑल रिविज़न आपका भी हो जाए और मेरा भी हो जाए, बिकॉज टीचर्स भी स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ पढ़ते हैं, तो हम लोग अपग्रेड होते रहते हैं, प्रोफेशन ही ऐसा है। आते हैं हम से, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, जीनल कॉम एंड प्रोटोनल कॉम, अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला था, हाउ डू शिफोनोट्रेंस पर्शिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स डिफर फ्रॉम दैट ऑफ
दैट ऑफ अदर ऑर्डर्स. अच्छा, अदर ऑर्डर से कैसे डिफर कर रहा है, तो देखो कैसे डिफर कर रहा है. द फ्लेक्स लैक मेंडिबल इंस्टीड ऑफ लेब्रम एंड लेकिनी ऑफ मिक्सिला आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्टाइलेट विच आर इनक्लोज्ड इन अ मिक्सिलरी सीथ. तो यही आपका आंसर. बहुत ज़्यादा लोड बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्मेट में आते हैं. तो 40 मार्क्स यानी आपका 90% आप वहीं से अचीव कर सकते हो, जो आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पर बेस्ड होगा. जो इस तरह से वन वर्ड ट्रू फॉल्स फिल अप द ब्लैंक्स में मतलब एकदम जो मतलब रटने वाला होता है कि एक्यूरेट जाकर के लिखना है, तो उस वे में नहीं होगा. इस वे में सिर्फ 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट वाला, एंड विच इज़ कंपल्सरी. सो बस उतना ही है जिसमें से आप मतलब अगर थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़ कर के भी जाते हो तो अच्छा खासा मतलब आउट ऑफ 10, 5 क्रॉस कर सकते हैं. और बाकी आप ये रखो ना टारगेट कि मुझे बाकी के 40 में 40 लाने हैं, तो बेटर आप उसके लिए प्रिपेयर हो. मीन्स हमें थियोरेटिकल नॉलेज थियोरेटिकल एस्पेक्ट अच्छा रखना है, और क्वेश्चंस को जब हम लिखें तो काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंटेटिव वे में उसको लिखना है, ग्राफ के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, बहुत ही अच्छे से पैराग्राफ चेंज कर कर करके. मतलब आपकी राइटिंग स्किल आपकी बहुत ज़्यादा दमदार होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर आपका वहाँ से एक मार्क्स भी कट ना कर सके. तो मैं अभी लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आई थिंक जैसे कि मैंने कहा था कि एक वॉल्यूम मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर योर मतलब वन वॉल्यूम मस्ट बी कंप्लीटेड, तो उसमें 9 चैप्टर्स हैं. मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 9 चैप्टर्स के टर्मिनल क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करूँ, और आपके असाइनमेंट के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूँ. तो फिर क्या होगा कि वो वाला जो लॉन्ग क्वेश्चंस वाला जो होगा वो उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी. बाकी कंपलसरी क्वेश्चंस के लिए जो ऐसे क्यू हैं उनको भी मतलब डाल दूँगी. बाकी उसमें से जो अगर कुछ मैच किया या याद रह गया तो अच्छी बात होगी. तो ये आ गए हम लोग कहाँ पे, सेकेंड नंबर क्वेश्चंस पे. तो पर उतना लोड नहीं लेना है इन सब क्वेश्चंस में. तो वो हो गया फ्लीज लेक मेंटेबल इंस्टेड ऑफ लेब्रम एंड लेकिनी ऑफ मिक्सिला और ट्रांसफॉर्म इनटू द स्टाइलेट और जो इनक्लोज्ड होता है मिक्सिलरी सीट से. फिर थर्ड वाला क्वेश्चंस पे आएंगे. थर्ड वाला क्वेश्चंस क्या था, थर्ड वाला क्वेश्चन था डू ऑल द स्टेजेस ऑफ फ्ली आर हेमेटोफेगस, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो नहीं, क्या है हेमेटोफेगस जो है नहीं है सारे के सारे. द लार्वा ऑफ द फ्लीज फीड ऑन एडल्ट फीसेस एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस लेफ्ट ऑन देयर होस्ट स्किन व्हाइल द एडल्ट फ्लीज लीव ऑन बोथ ऑफ देयर होस्ट. तो जो कि यहाँ पर पूछा गया था कि सारे के सारे हेमेटोफेगस हैं कि नहीं है. तो सारे के सारे हेमेटोफेगस नहीं है. और सारे के सारे हेमेटोफेगस क्यों नहीं है, क्योंकि लार्वा ऑफ फ्ली हेमेटोफेगस सारे के सारे इसलिए नहीं है क्योंकि जो लार्वा है वो लार्वा जो है फीड करता है एडल्ट की फीसेस से और ऑर्गेनिक डिब्रीज से, वही जो होस्ट डिब्रीज से, जबकि एडल्ट फ्ली है वो ब्लड पे लीव करेगा ऑन देयर होस्ट. मतलब कि ये रहा हमारा होस्ट. अब इस होस्ट का जो ब्लड है वहाँ पे वो कौन सा फ्ली डिपेंड रहेगा, एडल्ट फ्ली डिपेंड रहेगा. और इसी होस्ट के फीसेस मैटर पे या ऑर्गेनिक डिब्रीज पे कौन डिपेंड रहेगा, इसका जो लार्वा है वो लार्वा डिपेंड रहेगा मतलब लार्वा फीड कर रहा होगा. तो इस वजह से सारे के सारे जो हैं हेमेटोफेगस मतलब सब सारे नहीं हैं. ऐसे क्यू 3 भी इसी तरह से आपका कम्प्लीट होता है. एंड अब हम मूव करेंगे ऐसे क्यू 4, जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया था मैंने. एंड यस्टरडे आई हैव अपलोडेड दैट, आप उस वीडियो को जाकर देख लेना. ऐसे क्यू 4 अलॉन्ग विद उसके रिलेटेड कुछ थ्योरीज भी मैंने किया है जो ऐसे क्यू 4 के क्वेश्चन के बेसिस पर थे. ज़्यादा नहीं बट एक आध वीडियो उस पर डाला था, तो वो आप देख लेना. अब फाइनली टर्म आ गया है हमारे टर्मिनल क्वेश्चन का, तो जो कि हम स्टार्ट करते हैं. नेम 4 इंसेक्ट ऑर्डर्स विच आर ऑफ मेडिकल इंपॉर्टेंस एंड लिस्ट राइट एट लीस्ट 1 कंस्पिशियस फीचर एंड 3 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑर्डर. मतलब हमें इंसेक्ट के 4 ऑर्डर्स बताने हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल इंपॉर्टेंस, एंड ऑल्सो हमें एक कंस्पिशियस फीचर बताना है. 3 एग्जाम्पल्स हर ऑर्डर से, 3 एग्जाम्पल्स. ओके सो आउट ऑफ दैट 4 ऑर्डर सबसे पहला वाला ऑर्डर देखो क्या है.
सबसे जो पहला वाला ऑर्डर है वो है हेमिप्टेरा, जहाँ पे फोर विंग्स हार्डर होता है कंसिस्टेंसी में देन हिंड विंग्स, एंड फोर विंग्स जो है यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी और विथ अ हार्डर बेस रहेगा, एंड मेम्ब्रेन एपेक्स यानी उस पर यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी रहेगा, हार्डर बेस एंड मेम्ब्रेनस एपेक्स रहेगा। और बोला है सबका कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स देने के लिए, तो सबसे पहला का एग्जाम्पल क्या हो गया, बेड बग, किसिंग बग एंड एफिड्स, बेड बग, किसिंग बग, एफिड्स, तो ये हेमिप्टेरा का एग्जाम्पल्स है। सबसे पहले तो हेमिप्टेरा में फोर विंग्स हार्डर कंसिस्टेंसी होता है देन हिंड विंग्स, एंड जो फोर विंग्स होता है वो आपका यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी का होता है और विद अ हार्डर बेस एंड मेम्ब्रेनस एपेक्स। एग्जाम्पल क्या है, बेड बग, किसिंग बग और एफिड्स, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा ऑर्डर है स्पिनोप्टेरा, जो लेटरली कंप्रेस्ड बॉडी का होता है एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड ब्रिस्टल्स रखता है, क्यूटिकुलर प्रोजेक्शंस होता है बॉडी के सेगमेंट्स में। एग्जांपल क्या हो गया, ज़ेनोफाइशियलिया, चियोपिस, प्यूलिक्स इरिटेंस एंड टीनोसिफेलिडिस कैनिस, ये हो गया सेकेंड। थर्ड है डिप्टेरा, जिसमें क्या होगा, ओनली फोर विंग्स, हिंड विंग्स रिड्यूस टू हेल्टर्स। तो पहले ही अभी हमने पढ़ा हेल्टर्स क्या करता है, हेल्टर्स जो है उसके फंक्शंस को अभी हमने डिस्कस किया ऐसे के क्वेश्चंस में, तो बस वही बता रखा है डिप्टेरा में कि ओनली फोर विंग्स प्रेजेंट होते हैं, हिंड विंग्स क्यों नहीं प्रेजेंट होते, क्योंकि वो रिड्यूस्ड हो जाते हैं हेल्टर्स में। फिर एग्जांपल है इसका क्या, मॉस्किटो हाउस फ्लाई ड्रोसोफिला, मॉस्किटो हाउस फ्लाई ड्रोसोफिला डिप्टेरा का एग्जाम्पल से, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर विंग होता है, हिंड विंग जो है वो रिड्यूस हो जाता है हेल्टर्स में। एंड द लास्ट ऑर्डर इज शिफ्यून क्यूलेटा, जिसमें क्या बता रखा है कि डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी होता है क्लिंगिंग लेग्स के साथ में होता है, क्लिंग करने में हेल्प करता है, इस वजह से क्लिंगिंग लेग्स होता है इसमें। तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन होता है बॉडी एंड विद अ क्लिंगिंग लेग्स, एंड एट द सेम टाइम एग्जाम्पल्स क्या है, पेडिक्यूलस ह्यूमनस कैपेटस, पेडिक्यूलस ह्यूमनस कैपेटस एंड पेडिक्यूलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस एंड पैंथरस प्यूबिस। तो आगे से बच्चे बोलेंगे कि प्रोनाउंसिएशन ही दिक्कत हो रहा है मैम, पर कुछ किया नहीं जा सकता इस प्रोनाउंसिएशन का, ये बायोलॉजी है, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन करना सीखना पड़ेगा। अभी स्टार्टिंग में हो सकता है आपको टफ लगे, बट आदत हो जाएगी तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो क्या है, पेडिक्यूलस ह्यूमनस कैपेटस, पेडिक्यूलस ह्यूमनस कॉर्पोरिस एंड पैंथरस प्यूबिस। तो ये कुछ चार ऑर्डर्स थे अलॉन्ग विद एग्जांपल्स एंड कुछ कुछ फंक्शंस, जो कि मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया। एंड अब जो आपके टर्मिनल क्वेश्चंस बच गए हैं, दैट टर्मिनल क्वेश्चंस वी विल मीट विद इन अनदर लेक्चर वेरी सून, सो स्टे ट्यून टू दिस चैनल फॉर दोज अपडेट्स, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। If you are watching this video for the first time, don't forget to like, share and subscribe. Thank you everybody. Have a nice day everyone.